महिला मंत्री ने किया, महिला वित्त मंत्री, और मेरे ही साथ महिला आयोग में थी, वो मेरी सदस्य थी जब मैं चेयरमैन थी। उस वक्त से ही मैं उनकी अभिरुचि फाइनेंस के क्षेत्र में देखती थी और इसलिए हम लोग भी उनको वही काम देते थे। लेकिन देखने में जो बजट दिखता है वो तो लगता है जैसे बहुत ही सुधारात्मक बजट है, तो खास करके मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन यदि उसके डीप उसमें जाएं तो केवल लिपोपोती लगती है। और इसीलिए शेयर बाजार एकदम धड़ाम से गिर गया। दो तीन बातें मुझे ज़रूर उसमें अच्छी लगी। एक तो एजुकेशन लोन की, उसमें सरकार को तीन नहीं थोड़ा सा और पैसे बढ़ा करके उतना देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास पैसे नहीं है, फीस बहुत बढ़ी हुई है, बाहर भी जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दिक्कत तो यह है लेकिन निर्यात में के क्षेत्र में हम और भी कुछ किया जा सकता था, जिसकी कमी मुझे बजट में खट की। दूसरी बात यह कि महिलाओं के लिए और किसान वर्ग के लिए पैसा तो दिख गया, लेकिन वो उतने करोड़ रुपए में इतनी बड़ी जनसंख्या का होगा क्या, और कौन सी स्कीम में देगी? वही कुछ लोग भाई भतीजावाद चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो सबको लाभ मिलने वाला नहीं है। टैक्स के स्लैब में तो कोई कमी नहीं है, और कुछ जो कम दिखाई गई है वो बहुत इतनी मामूली है कि उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला दिखा करके, तो वो भी कुछ दिखा हुआ है, सब कुछ मिला के उसमें कुछ है नहीं। किस किस चीज़ों पर कुछ राज्यों को उन्होंने जो अपने हुए उनके अपने जो उन खास करके आंध्र का और बिहार का जिक्र करूं, लेकिन राजस्थान को भी बहुत देने को था, राजस्थान अछूता रहा। राजस्थान को टूरिज्म के विकास के लिए, माइंस और इनके विकास के लिए को अलग से प्रावधान देना चाहिए था, ताकि माइंस और ये हो सके। और तीसरा यहाँ का जो पशुधन है उसके लिए अलग से बजट की मांग मैं जब यहाँ पर राजस्थान वित्त मंत्री थी उस समय से करती आ रही हूँ, तो उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इस तरह से कितने ही राज्य उपश्रेणी में हैं जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी केवल 4-5 स्टेट्स को ही दिया है, लेकिन बाकी स्टेट इस तरह सूत्र रहे जिनको दिया जाना चाहिए था। तो दिखने में ये मध्यम वर्ग का बजट दिखता है, लेकिन ये आम आदमी का बजट नहीं है, ये गरीब का बजट नहीं है, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग हमारे यहाँ पर ज़्यादा है और उन्हीं को ध्यान में रख कर के बजट बनाया जाना चाहिए था। दूसरी कुछ बड़ी योजनाओं के लिए नहीं है, ये सब बातें इसमें समाहित होती तो शायद बजट प्रशंसनीय होता। देखिए, मोबाइल के क्षेत्र में मुझे थोड़ी निराशा इसलिए हुई कि एक तरफ हम लोग हमारे यहीं की मेकिंग चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा मोबाइल तक यदि बाहर से लेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने जो ड्यूटी उसको घटाया है, सोना चांदी में भी ड्यूटी घटाया है, प्लेटिनम में भी ड्यूटी घटाया है, जो बड़े लोगों के लिए, बहुत पैसे वाले लोगों के लिए, और ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा नहीं घटाई है, लेकिन फिर भी घटाई उसके लिए ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपको नहीं लगता महंगाई में भी कोई कटौती, महंगाई जो बढ़ी हुई है, महंगाई के संबंध में, नई नौकरियों के संबंध में कुछ इस बजट में नहीं कहा गया, केवल ये कहा तो जैसे वो बांटते हैं उस तरह से मैंने कहा था, कुछ लोगों को बांट दिया जाएगा, भाई बात चलेगा, और ख़ास करके इनकी पार्टी की बात चलेगी, जो पार्टी का होगा उसको दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त जो आम आदमी का बजट उसको बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ नहीं, सब कुछ मिला करके शून्य बजट है। महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान नहीं रखा, महिलाओं के लिए तो कुछ ध्यान रखा ही नहीं है, विशेष क्या, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। कुछ पैसे दे दिए है जो दिखने में करोड़ों दिखते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या को देखते हुए महिलाओं को किस किस क्षेत्र में मिलेंगे इसका कोई जिक्र नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।